Hello friends, I am Mrigank Asthana from KM Learning. Today again I will discuss one more question on statistics or data interpretation for 66th BPSC mains. Today we have a question from 64th BPSC which was held in year 2019, and the question is here in front of you. Let us see what the question says, and then we will discuss the approach we should take to solve the question. After understanding the approach towards the question, we will go to solve the question. We will do the question in the same manner in which we will write the question in our examination. Okay, let us read the question. The question says, the following multiple bar chart shows production of same type of vehicle in thousands for a period of 3 years by selected manufacturers, and the line chart shows prices of vehicles in the year 2017. Okay, let me make it clear for you that there are given two charts. One chart is above, which is a bar chart, and there is a second chart which is a line chart, which is given below. A, B, C, D, E are the different manufacturers, and the graph represent that numbers of vehicles manufactured by the given companies that are A, B, C, D, E in the year 2015, 16 and 17. For example, if we take the example of A, okay, so where is A? We can see the A which is here. This is manufacturer A, and this is for manufacturer B. This graph represent for manufacturer C, this for D and this for E. Okay, तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि जो A है, ठीक ना, A का ये दिखा रहा है, ये वाला जो ग्राफ है ये दिखा रहा है 2015 का, ये वाला बार ग्राफ दिखा रहा है 2016 का, और ये बार ग्राफ दिखा रहा है 2017 का। अगर हम बात करते हैं कि ये इन थाउजेंड्स में दिया हुआ है, ये वाला अगर लाइन 1, 2, 3, 4, 5, ये लाइन आपका दिखाता है 5, ये दिखाता है आपका 10, ये दिखाता है 15 और ये दिखाता है 20, और अबव द लाइन इज 25. ओके, तो अगर हम देख रहे हैं कि 2015 में है ना, कि 2015 में हमारा जो मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक देख रहे हैं, तो 5, 6, 7, 8, ओके, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 8 है, मतलब कि ए का जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन था वो था 8000 इन 2015, और 14000, ये है आपका 14, एंड 14000 इन ईयर 2016, और 25000 था 2017 में। तो ये ए का मैन्युफैक्चरिंग है ना, कि कितना प्रोडक्शन उसने किया था रिस्पेक्टिव ईयर्स में। वैसे ही बी का देखिए, तो जो बी है, बी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है 10, 11, 12, 12000 है 2015 में, 16, 17, 18, 18000 है 2016 में, और 18000 ही है 2017 में। अगर सी का देखिए, तो सी का देख रहे हैं कि 5, 6, 6000 है प्रोडक्शन 2016 में, 2015 में, फिर 9000 है प्रोडक्शन 2016 में, और 15000 है 2017 में। वैसे ही डी और ई का प्रोडक्शन जो है ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लाइन ग्राफ है 2017 का वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि द लाइन ग्राफ फॉर अ पीरियड बाय सिलेक्टेड में, एंड द लाइन चार्ट shows the prices of vehicles in year 2020. तो 2017 में जो manufacturer हैं A, B, C, D और E, इनका जो cost price और sell price वो represent किया गया है इस graph के through।
जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है वो सेल प्राइस को दिखा रहा है और ये कॉस्ट प्राइस को दिखा रहा है। एक चीज़ आप ग्राफ देखिए तो कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज लेसर देन द सेल प्राइस एज गिवन इन दिस ग्राफ। इट मीन्स कि वो हर साल इन लोगों ने प्रॉफिट ही अर्न किया है और किसी भी ईयर में इन लोगों को लॉस नहीं। मतलब कि 2017 का जो ईयर है, इस 2017 के ईयर में किसी भी मैन्युफैक्चरर को कोई भी लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि हर बार सेल का जो ग्राफ है वो ऊपर है कॉस्ट प्राइस से। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और हम जानते हैं हमारा अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एग्जामिनेशन में कोई भी सॉल्व क्वेश्चन होगा, सबसे पहले तो आप ये रीड करिएगा, फिर ग्राफ रीड करिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये पांच जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने के बाद हम जो गिवन डेटा है उसको टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला स्टेप आपका होता है ड्रॉ द टेबल। सेकेंड स्टेप, टेबल बनाने के बाद आपका होता है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप उठाते हैं ए, तो इसके साथ आप पहले गिवन लिखते हैं, गिवन के बाद आप लिखते हैं कि आपको निकालना क्या है, टू फाइंड लिखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप फिर आ जाते हैं आंसर। सॉल्यूशन जब आ जाता है तो आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं, तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट होता है। और ये टोटल लगभग पाँच या चार या पाँच क्वेश्चन होते हैं, चार या पाँच क्वेश्चन होते हैं ऑन द बेस ऑफ द गिवन ग्राफ्स, और उनको एक एक करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इन 2017 फ्रॉम 2015, कि 2015 से पहले। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है कि परसेंट गिवेन है टू फाइंड, है ना, टू फाइंड है कि व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इन 2017 फ्रॉम 2015। तो 2015 में जितने भी व्हीकल थे और फिर 2017 में जितने भी व्हीकल हो गए, इसमें टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। तो हमारे निकालने का अप्रोच क्या होगा, अप्रोच होगा टोटल व्हीकल्स इन 2017, टोटल व्हीकल्स इन 2017 डिवाइडेड बाई टोटल व्हीकल्स इन 2015। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है ना कि इंक्रीज परसेंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें से इंक्रीज निकाल लेंगे तो व्हीकल्स इन 2015, तो ये ऊपर वाला आपका क्या था इंक्रीज, और 2015 का रिस्पेक्ट में निकाले और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड परसेंट होगा। तो हम सीधे ऐसे नहीं बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर एसएससी वाला हो जाएगा तो हमको 36 मार्क्स मिलेगा कैसे। तो हम अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे ये वाला। ओके, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन है विच मैन्युफैक्चरर हैव प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अब देखिए, अब ये टेबल जब बनाना होगा तो सीधे अगर ग्राफ से बनाते तो आप तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, तो अब आप मतलब एक कॉलम और बढ़ा के ग्राफ में ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देख लेंगे। क्वेश्चन है कि किस मैन्युफैक्चरर ने, विच मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड द सेम नंबर ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशन। तो जो 3 साल है 2015, 2016 और 2017 में, किसी एक पीरियड में इन जो दिन दो तीनों साल का पीरियड है, इसमें किसी दो या जिसने भी सेम नंबर ऑफ व्हीकल प्रोड्यूस किया है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे, तो उन वो कौन कौन से। क्वेश्चन सी है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर ए एंड डी। तो हम निकालेंगे मैन्युफैक्चरिंग बाय ए, बाय मैन्युफैक्चरिंग बाय डी, बाय टोटल टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार, है ना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय ए प्लस टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय डी बाय टोटल प्रोडक्शन बाय ऑल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फॉर विच मैन्युफैक्चरर द प्रॉफिट परसेंट इज मैक्सिमम इन ईयर 2017। तो किस मैन्युफैक्चरर के लिए 2017 में प्रॉफिट परसेंट सबसे ज़्यादा था। तो प्रॉफिट परसेंट ने आपका सेल प्राइस दिया हुआ है और आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका देता है प्रॉफिट परसेंट। और हर कंपनी के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस इस ग्राफ में, तो यहाँ से उनका रिस्पेक्टिव आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं और जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि इफ मैन्युफैक्चरर डी हैज़ टू कॉल बैक 4000 ऑफ इट्स व्हीकल ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। कि अगर डी ने 4000 कंपनी को वापस मंगा लिया तो इस पे उसको कॉस्ट तो पड़ा, खर्चा तो पड़ा 4000 को मैन्युफैक्चर करने में, लेकिन इन 4000 गाड़ियों की वजह से उसने 1 रुपया भी अर्न नहीं किया। तो अर्न किस पे किया? जो बाकी के कार उसके पास बच गए थे उन पे उसने अर्न किया। तो उसका टोटल सेल प्राइस निकालेंगे और टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस सबका निकालेंगे, सेल प्राइस निकालेंगे, जितना भी मैन्युफैक्चर किया उतने में से 4000 हटा देंगे और बाकी जो बचा उसका सेल प्राइस निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो ये हमारा अप्रोच होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप हमारा है टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना है। टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता है कि यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ वन को टेबल में बनाते हैं, फिर ग्राफ टू को टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। टेबल में एक बार रिप्रेजेंट कर लेने के बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरर, ये हो गया हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे रेस्पेक्टिव ईयर, ईयर है आपका 2015, 2016 और 2017। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हैं आपके ए बी सी डी और ई। ओके, 2015 में जो ए का मैन्युफैक्चरिंग था वो था 8000, 16 में था 14000 और 17 में था 25000। इस चीज़ को आप ग्राफ में देख लीजिए कि ए का था 8000, सिक्स यहाँ पे देखिए 14000, ये वाला 14000 और ये है 25000। यस, बाकी का भी वैसे ही लिख लेते हैं। जो बी है, बी का है 2015 में 12000, बी का है 18000 16 में और 17 में है 18000। सी का देखिए तो 6000, 9000 एंड 15000। डी का है 16000, 9000 एंड 20000 और जो ई है उसका है 8000, 14000 एंड 8000। ओके, तो इसका जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग था उसको भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं कि टोटल, तो ए का जो टोटल मैन्युफैक्चरर था द गिवन ईयर इन द कंसिडरेशन 2015, 16 और 17 में, तो इसको ऐड कर लीजिए, 25, 25, 10, 35, 4, 39 और 8, 47000, 12 और 18, 30 और 18, 48000, 9, 6, 15 और 15, 30, 30000, 29, 31 और 15, 45000, 8, 8, 16 और 14, 30000। ओके, ये हमारा हो गया। टोटल इधर भी कर लीजिए एक कि 2015 में कितने कार प्रोड्यूस किए गए, तो टोटल यहाँ से देखिए 12, 8, 20, 6, 26, 10, 36, 6, 42 और 8, 50000। ब्रेक करके ऐड करना थोड़ा आसान हो जाता है, 14, 10, 24, 6, 30, 2, 32, 8, 40, 1, 41, 9, 50 और 14, 64000। ओके, और 25 और 15, 40, 40, 20, 60, 60 और 20, 18, 60, 18 और 2 यहाँ से लेते हैं 20, 80 और 6 बच गया 86000। ठीक है, अब ये दोनों टोटल सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको हम
करके भी देख लेते हैं, कैलकुलेटर से हम लोग मैच भी कर लेते हैं। तो ऐड कर लीजिए, 4 4 8, 6 8 6 14 और 5 19। ठीक है, 4 4 8, 6 5 11 8 19। इधर से देख लीजिए, 5 और 8 5 13 13 और 8 7 15, 15 और 5 20। कहीं गलत हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 8 20, 6 26, 26 और 10 36, 46 8 50। ठीक है, 14 8 4 12, 32 32 और 8 40 41, 50 14 64। ठीक है, 25 और 10 35, 35 और 8 43, 43 और 10 53, 5 58, 58 और 20 78 और 78 और 8, 78 और 8 86। ओके, यहाँ ये गलत हो गया था, 86। तो 6 और 4 10 है ना। तो ये आपका आ गया 86। 6 4 10 0 1 कैरी, 8 6 6 12, 8 20 टोटल, तो हो गया 200। अब इधर से चेक कर लीजिए, तो ये हो गया 8 5 13 और 7 0 2 कैरी, 4 3 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16 4 20, टोटल सही। ओके, तो ये हमारा चार्ट बना पहले के लिए। इन सबको हम लाइन से सेपरेट कर देंगे, ठीक है, लाइन से सबको आप सेपरेट कर लीजिए एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्केल, ये लिखना इम्पोर्टेंट है, इन थाउजेंड। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो फिर आपका जो कैलकुलेशन है वो भी गलत होगा और टेबल भी सही नहीं होगा। और इसको लिख लीजिए टेबल 1। ओके, तो टेबल 1 आपका ऐसे कंप्लीट होता है। वैसे टेबल 2 बना लेते हैं, प्राइस इन 2017 और मैन्युफैक्चरर है आपके पास, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई। ओके, उसके बाद है आपके पास कॉस्ट प्राइस सी पी, सेल प्राइस है एस पी, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3.6, 4.2, बी का है 4, 4.8, सी का है 4.2 एंड 5, ये है आपका 4, 4.8 और ये है आपका 4.25 और ये है आपका 5। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए ग्राफ के अंदर। ये ए का है यहाँ पे देखिए 3.5 और ये है 3.6, ये है इसका कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस कितना है 4.2। तो 3.6 इसका क्या है, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस 3.6 का, 3.6 है आपका कॉस्ट प्राइस ए का और सेल प्राइस है 4.2। तो हमने लिखा ना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 3.6 और सेल प्राइस 4.2। ओके, और ये लाख में दिया हुआ है, स्केलिंग इसका देख लीजिए इन लाख। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे स्केल लिख देना चाहिए, स्केल स्केल इन लाख। ठीक, ये बन गया आपका टेबल कंप्लीट।
तो एक क्वेश्चन हमारे पास था जहां पे आपसे पूछा गया था कि प्रॉफिट परसेंट निकालना था किसका मैक्सिमम है, तो वो चीज़ अब हम क्वेश्चन के साथ नहीं करेंगे, उसको हम यहीं पे लिखेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ होता है, और बिना कैलकुलेटर के आप एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे। बहुत बार होता है कि मैं लास्ट ईयर जब देने गया था तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, यू मे थिंक कि आधे से ज़्यादा थे जो बिना कैलकुलेटर के आए थे, और एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेना अलाउ नहीं होता है, आप कैलकुलेटर ले नहीं सकते, इसकी वजह से आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉफिट परसेंट, और आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इस फॉर्मूला का यूज़ करिएगा, और कैलकुलेटर जैसे ए के लिए हम क्या लिखेंगे कि 4.2 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाय 3.6, और ये लाख में है तो लाख लाख कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेटर का यूज़ करते समय आप लाख लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करिएगा और जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट है वो आपका आ जाएगा, है ना। तो जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है उसको हम सीधा ही कैलकुलेटर का यूज़ करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या प्रॉफिट परसेंट आया है। इसका प्रॉफिट परसेंट है 16.6%, ये कैलकुलेटर से ही निकाल रहे हैं, कैसे, ये वाला चीज़ यूज़ करके, 4.2 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये द प्रॉफिट परसेंट ऑफ है एंड दिस इज इक्वल टू 16.6%। वैसे ही बी का जो निकल के आया वो है 20%, सी का आया 19%, और डी का है आपका 20%, और ई का जो निकल के आ रहा है वो है 18.75%। डी ई का कैसे हम निकालेंगे, तो सेम तरीका यही चीज़, 5 माइनस 4.25 डिवाइडेड बाई 4.25 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए, एंड इसी तरीके से सबका प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर निकाल के हमने कैलकुलेटर का यूज़ किया, और कैलकुलेटर से ही आप सबका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, बिना कैलकुलेटर के आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाएंगे, ये अभी से ही नोट डाउन कर लीजिए कि कैलकुलेटर लेके ही जाना है, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा, ठीक है। और उसको आप जीएस वाले जो क्वेश्चन थे ना वहाँ पे उन टाइम्स को आप यूज़ करिएगा मैप बनाने में, चार्ट बनाने में, फ्लो चार्ट बनाने में, डायग्राम बनाने में, तो वो वहाँ पे वो बेनिफिट मिल जाएगा उसको, ठीक। तो ये हमारा दोनों चार्ट कंप्लीट होता, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इन 2017 फ्रॉम 2015। ओके, तो 2015 में टोटल व्हीकल कितना था, 50,000, 2017 कितना था, 86,000, बस हो गया, यहीं से हमको निकालना था। तो यहाँ पे लिखिए टोटल व्हीकल गिवन टू फाइंड, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में आपके पास कुछ गिवन नहीं है, सीधे आपसे पूछ ही रहा है, तो टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज, टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ, एग्जाम में यही अप्रोच होगा हमारा लिखने का, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इन 2017 फ्रॉम 2015। ओके, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वी हैव नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन 2015 इज इक्वल टू 50,000, टेबल वन में दिया हुआ है, हमने निकाला है उसको ना, 15,000 यहाँ पे लिख लीजिए, फ्रॉम टेबल वन ये जरूर लिखेगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 2017 एंड दिस इज इक्वल टू 86,000, अभी हमने देखा 86,000, दिस इज ऑल्सो गिवेन इन फ्रॉम टेबल वन। ओके, तो रिक्वायर्ड
रिकॉर्ड परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 86,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000। आप यूनिट नहीं छोड़िएगा, बहुत बच्चा लोग होता है बोलो यूनिट छोड़ देता है, सीधे लिखता है 86 माइनस 50 बाई 50। तो इसका मतलब ये होगा ना कि 86 कार में 86 ही प्रोडक्शन था, 1,000 वाला टर्म छोड़ देते हैं। तो इससे आपका आंसर तो भले ही सही आता है, लेकिन ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट चीज़ है। अब इसके आगे कैलकुलेटर यूज़ करिए, ठीक ना। कैलकुलेटर के बाद आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा 86 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद जो आपका परसेंटेज आएगा वो आएगा 72%। ओके, अब यहाँ पे आपको आंसर स्टेटमेंट लिखना होगा। आंसर स्टेटमेंट क्या होगा आपका, हैंस हैंस रिक्वायर्ड, हैंस रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इन, रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम 2015 टू 2017 इज 72%। ये आंसर स्टेटमेंट बहुत कमाल का चीज़ है और इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डो नॉट राइट दिस। और जब आप इसको लिखते हैं आंसर स्टेटमेंट, तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये आप बहुत मतलब जादू वाला चीज़ नहीं कर रहे हैं। जब आप 9th 10th में एग्जाम देते थे तो आंसर स्टेटमेंट हम लोग उस समय भी लिखते थे, और वही कॉन्सेप्ट है, उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन ए हमारा कंप्लीट होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी का क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच मैन्युफैक्चरर हैव प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द कंसिडरेशन। अब इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है, आप बस टेबल जो बनाए हैं वहां पे आप देखिए टेबल 1 से कि सी ने और ई ने 30,000 व्हीकल प्रोड्यूस किया दोनों ने, तो सी और ई का जो प्रोडक्शन था द गिवन ईयर में क्या था, सेम था। बस अब इसी चीज को यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। बी फ्रॉम टेबल 1 इट इज वेरी क्लियर दैट, अगर आप टेबल नहीं बनाए होते तो आपको फिर यहां पे पूरा कैलकुलेशन करना होता कि प्रोडक्शन फॉर ए, प्रोडक्शन फॉर बी, प्रोडक्शन फॉर सी, प्रोडक्शन फॉर डी, प्रोडक्शन ऑफ ई, और सब फिर रिपीट करना होता और ऐड करके, फिर वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता। तो इसलिए उसको टेबल में लिख लेने से आपके लिए ये चीज है जो थोड़ा आसान हो गया। फ्रॉम टेबल ए इट इज वेरी क्लियर क्लियर दैट, किसने किसने, सी एंड ई ने, सी एंड ई प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सी एंड ई हैव प्रोड्यूस्ड सेम नंबर ऑफ कार। ये एनओ हमने यहां पे लिखा है, एग्जाम में आप पूरा लिखेगा सेम नंबर ऑफ कार्स इन द गिवन ईयर और द ईयर इन द कंसिडरेशन। ओके, तो ये हो गया आपका बी कंप्लीट। ठीक है, तो सी देख लेते हैं। सेक्शन सी क्या बोलता है, सी व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाई ए एंड डी। ओके ओके, तो यहां पर चलिए सी सी नंबर ऑफ कार्स टू फाइंड फाइंड क्या करना है उस चीज को लिख लीजिए कि परसेंटेज ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय ए एंड डी, यही पूछा जा रहा। सॉल्यूशन क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, इसलिए हम गिवन नहीं लिखेंगे, जहां गिवन होगा वहीं गिवन लिखेंगे, जहां है ही नहीं वहां क्या लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय
नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार, देखते हैं वापस जाके क्या है, नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय बाय डी इज इक्वल टू एंड टोटल नंबर ऑफ कार कार प्रोड्यूस्ड इन द गिवन ईयर, गिवन ईयर इज इक्वल टू, ओके चलिए वापस ग्राफ हम लोग अपने टेबल में देखते हैं कि ए ने कितना कार प्रोड्यूस किया है। तो ए ने टोटल कार जो प्रोड्यूस किया है वो है 47,000 और डी ने किया है 45,000 और टोटल कार प्रोड्यूस हुआ है 200,000। ओके चलिए तो ए का टोटल कार कितना प्रोड्यूस किया है, ए ने जो प्रोड्यूस किया नंबर ऑफ टोटल कार दैट इज फोर्टी सेवन थाउजेंड डी जो टोटल कार प्रोड्यूस किया है वो है 45,000 और टोटल कार जो प्रोड्यूस हुआ है वो है 200,000। ओके यही था ना, एक बार चेक कर लीजिए, ए है 47,000 करेक्ट, डी है 45,000 करेक्ट और टोटल कार प्रोड्यूस हुआ है 200,000। ओके करेक्ट। ओके तो ये चीज़ है, अब आपको निकालना था कि परसेंटेज ऑफ ए एंड डी विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल कार प्रोड्यूस। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, ये पूरा ही वर्ड लिखना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 47,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 200,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करिए, दिमाग नहीं लगाना है, सीधे कैलकुलेटर यूज करना और जहाँ दिमाग लगा वहीं लगाइएगा, जहाँ दिमाग लगाने का काम ही नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे लगा के, टाइम वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सीधे कैलकुलेटर यूज करेंगे और कैलकुलेटर यूज करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 46%। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर लिखिए फ्रॉम टेबल वन, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपने कहाँ से लिख दिया 47,000, तो ये फ्रॉम टेबल वन, फ्रॉम टेबल वन, फ्रॉम टेबल ये लिखना है, एग्जाम में भी लिखेगा। ओके रिक्वायर्ड, अब हो गया हमारा सॉल्यूशन, अब यहाँ पे आंसर स्टेटमेंट, तो हेंस मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ए एंड डी, मैन्युफैक्चरर ए एंड डी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड 46% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द गिवन पीरियड। हो गया कंप्लीट हो गया, तो ये चीज है आपका सी सेक्शन कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं अगला सेक्शन क्या है। हम लोग ऐसे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे प्रीवियस ईयर से या फिर कहीं से भी, कोई भी क्वेश्चन हमें मिलेगा, हम एक ही टाइप के दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन बताएंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा हम डेली एक एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे और इससे ही हम लोग का प्रैक्टिस होते रहेगा। आप एक क्वेश्चन डेली बनाते हैं तो एग्जाम आते आते तक आप 60-70 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो समझिए कि आप 72 में से 72 मार्क्स आना ही आना है अगर इस तरीके से बना रहे हैं, तो उसमें कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि आपका एक भी मार्क्स इसमें कट जाए। और ये फिक्स मार्क्स होते हैं, मतलब कि आप इन मार्क्स को लॉस करना नहीं चाहेंगे, जो सबसे कम मेहनत में सबसे मतलब 20 मिनट ही डेली दे रहे हैं, एक क्वेश्चन 20 मिनट से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए, 20 मिनट आप डेली दे रहे हैं तो, और बदले में आपको 72 नंबर मिल रहे हैं 72 मार्क्स, तो अवश्य इस पर थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग छोड़ते जाते हैं, अरे स्टैट्स डीआई ये तो आसान चीज़ है एग्जाम टाइम में कर लेंगे, क्यों एग्जाम टाइम में करेंगे, ये आसान चीज़ है इसको पहले ख़त्म कर लेंगे एग्जाम टाइम में, हम उस जो हमारा वो गोल्डन पीरियड होता है उसको हम देंगे अपने जीएस सेक्शन पे, ऑप्शनल सेक्शन पे देंगे, जो करंट अफेयर्स के सेक्शन है उस पे देंगे, तो खासकर स्टैटिस्टिक्स हो गया, हमारा हिंदी हो गया,
उसको हम गोल्डन गोल्डन पीरियड में हम लोग नहीं वेस्ट कर सकते। हिंदी हम क्यों पढ़ेंगे एग्जाम से पहले? तो हिंदी और स्टैट्स डीआई इस सबको एग्जाम से 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले भी अगर कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए, ताकि उस समय में हमारा सारा फोकस ऑप्शनल पे हो, GS1 के सेक्शंस पे हो, करंट अफेयर्स पे हो, GS2 के सेक्शंस पे हो, है ना। और ये 72 लाना तो आसान चीज़ है, तो इस पे आप अभी से ही फोकस करिएगा और एग्जाम टाइम में अपना बाकी देखेंगे, है ना। सी हो गया, डी देखिए क्या कि फॉर विच मैन्युफैक्चरर द प्रॉफिट परसेंटेज मैक्सिमम इन द ईयर 2017। बस अब ये हमने निकाल रखा है पहले ही से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रीड करिए एक बार कि किस मैन्युफैक्चरर के लिए प्रॉफिट परसेंट 2017 में मैक्सिमम था। तो यहाँ से साफ क्लियर है सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन कमा रहा है। देखिए यहाँ पे ये 16.6%, 20%, 19%, 20%, और 18.7%। तो सबसे ज़्यादा किसका है? बी का, और उसके बाद से किसका है? डी का। तो मतलब बी और डी दोनों 20 ही% है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है, तो हम यही लिखेंगे कि बी और डी जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं 2017 में। तो हम सीधा आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कोई चीज़ डी टू फाइंड। अगर भाई टेबल नहीं होता तो फिर सारा कैलकुलेशन यही करना होता और वो फिर काफी टाइम कंज्यूमिंग होता। तो टू फाइंड द मैन्युफैक्चरर, टू फाइंड द मैन्युफैक्चरर फॉर होम द प्रॉफिट परसेंट, धीरे धीरे राइटिंग भी सुधार रहा है पेन टैब के ऊपर, तो समय के साथ ठीक हो रहा है। इन मैक्सिमम, और अच्छा होगा धीरे धीरे, और अच्छा ही होगा। मैक्सिमम इन द ईयर 2017, ईयर 2017 ये हमको फाइंड आउट करना है। बस अब सोल्यूशन हम कुछ करेंगे ही नहीं, सोल्यूशन हमको पहले ही से पता है, सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम टेबल 1। इट इज वेरी क्लियर, फ्रॉम टेबल 1 नहीं था भाई, टेबल 2 था। फ्रॉम टेबल 2 इट इज वेरी क्लियर दैट कौन कौन था, देखिए एक बार। तो बी था और डी था, तो वेरी क्लियर दैट प्रॉफिट वाज मैक्सिमम, प्रॉफिट वाज मैक्सिमम फॉर बी एंड डी इन द गिवन ईयर दैट इज 2017। वाओ, गिवन ईयर 2017 एंड दैट वॉज 20% डन, डी कंप्लीट। ओके लास्ट देख लीजिए, आज का लास्ट जो है हमारे पास, या लास्ट, इफ द मैन्युफैक्चरर डी हैड टू कॉल बैक 4000 ऑफ इट्स व्हीकल ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल, अगर हमने 10 कार को प्रोड्यूस किया तो 1 कार पे अगर 1 रुपया खर्चा करते हैं तो कितना रुपया टोटल खर्चा हुआ? 10 रुपया। उसमें से 4 जो था वो रिटर्न आ गया, तो 6 ही कार बेचा हमने, और 1 कार को बेचते हम 2 रुपये में, तो 6 कार को बेचे कितने रुपये में? 12 रुपये में। तो 12 रुपये में टोटल सेल हुआ, 10 रुपये हमारा टोटल खर्चा हुआ, तो फायदा कितना का हुआ? सिर्फ 2 रुपये का। लेकिन जो कार हम 4 रुपये का वापस मंगा लिए थे, अगर वो चारों भी बिक गया रहता तो फायदा कितना का होता हमको? सीधे 20 रुपये, 10-20 रुपये का टोटल सेल होता और 10 रुपये का हमको पूरा फायदा होता। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लगा देना, सोचना ही नहीं, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट होते भी नहीं है कि आप सोचें इसके ऊपर। लेकिन कई बार बैकग्राउंड जो है ना वो मैथ्स वाला नहीं होने की वजह से देख के डर लग जाता है। मतलब क्या बताएं, हम काफ़ी लंबे टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स और फिजिक्स, तो कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलते हैं कि अगर उनका एडिशन आता है और हमने 20 डिजिट का एडिशन उनको जब दे दिया, तो सर इतना बड़ा, सर ये नहीं होगा सर,
या फिर 20-15 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन दे दिया, सर बहुत डिफिकल्ट है सर, वी नो द प्रोसेस वी विल डू इट। बस बैकग्राउंड हमारा जो भी है, क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं कि नहीं आएंगे। आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा वीडियो, तो अगर आप ऐसे ही साथ में वीडियो देखते रहिए और साथ साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, आपके मेरे ही साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं देना है, तो साथ ही में सब कंप्लीट भी हो जाएगा। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम करवा देंगे कंप्लीट, है ना। चलिए तो लास्ट देख लेते हैं आज के लिए, जो लास्ट है वो है कि हमारे पास जो गिवेन है, सबसे पहले वो चीज़ गिवन क्या, जो डी था 4000 वापस मंगा लिया था, तो मैन्युफैक्चरर डी हैड टू रिकॉल 40,000 ऑफ इट्स व्हीकल। सोचिए 5-4 हजार को बेच दिया जाता ना, तो फायदा होता है इसको, लेकिन इस पे पैसा तो लग गया बनाने में, लेकिन वापस मंगा लिया तो इस पे तो कोई फायदा नहीं हुआ। व्हीकल्स ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, है ना, ये बात तो क्लियर है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। यस, तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन, ओके, टोटल कार प्रोड्यूस इन ईयर 2017, टोटल कार प्रोड्यूस्ड बाय डी इन ईयर 2017, टेबल वन में था ना, तो कितना था वो 20,000। देखिए एक बार टेबल वन में डी ने कितना कार प्रोड्यूस किया है 2017 में, तो ये हो गया हमारा 20,000। यस, तो टोटल कार प्रोड्यूस इज इक्वल टू 20,000। ओके, तो इसका हेंस द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस, जितना इसको खर्चा लगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाई। देखिए एक कार का इस पे, एक कार को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा लग रहा है, डी को लग रहा है 4 लाख, है ना, 4 लाख, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख, तो ये आपका हो गया 4 दुनी 8, और 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो और ये 4 जीरो हो गया, तो 5 और 9 जीरो हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं रुपीज़। ठीक है, आपका जैसा मन वैसा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को क्लियर है, सामने चेक करने वाला मैथमेटिशियन ही बैठा रहता है, तो उसको पता रहता है कि क्या लिख रहे हैं, वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा ये देख के ना कि क्या लिख दिया है, वो समझ जाएगा। तो आप अपने जैसे आपको कैलकुलेशन आसान लगे वैसे लिख दीजिए। एंड टोटल कार सेल इन ईयर 2017, टोटल कार सेल 4,000 वापस मंगा लिया था ना, 17, 20,000 तो प्रोड्यूस किया था, और उसमें से 4,000 क्या किया था, वापस मंगा लिया था, तो दैट इज 16,000। ठीक है, टोटल कार जो सेल किया वो कितना किया, 16,000, और इसलिए टोटल सेल प्राइस 16,000 बेचा ना, तो टोटल ये टाटल लिखा है, टोटल ही है, ठीक है, टोटल सेल प्राइस इज इक्वल टू 16,000 कार बेचा, और एक कार को बेचा वो, देखिए कितने रुपए में बेच रहा है एक कार को, एक कार को बेच रहा है 4,80,000 में, एक कार पर 80,000 का फायदा कमा रहा है, तो टोटल कार हो गया 4.8 लाख, और ये आपका निकल के आता है 16 और 48, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आता है 768
मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 7 रुपए, ये हो गया टोटल सेल प्राइस, और आपने निकाला टोटल कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास देखिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, हम वो देख लेंगे बाद में। तो हम लोग वी हैव सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस 768 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 7 रुपया माइनस, ये कितना है, 8 × 10 का पावर 9, मतलब कि 800 × 10 का पावर 7, यस 800 × 10 का पावर 7 रुपया, दैट इज इक्वल टू, और ये माइनस करने के बाद आपके पास आता है माइनस 32 × 10 का पावर 7 रुपया। तो यहाँ माइनस में आ गया, माइनस में रुपया होता है क्या? नहीं, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे है, तो माइनस साइन आपका दिखाता है कि आपको लॉस हुआ है, ठीक ना? तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए कि माइनस साइन रिप्रेजेंट, माइनस साइन रिप्रेजेंट द लॉस, हेंस द लॉस परसेंट इज इक्वल टू, हेंस द लॉस परसेंट इज इक्वल टू 32 × 10 का पावर 7 रुपया बाई टोटल कॉस्ट प्राइस। इसका कितना था भाई? तो कॉस्ट प्राइस था 800 × 10 का पावर 7 रुपया और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 10 का पावर 7 कट गया, रुपया रुपया कट गया, और 8 0 से 0 0 कट गया, और 8 से 4 कट गया, तो टोटल कितना आ गया भाई? 4%। तो 4% का टोटल इसको क्या हुआ? लॉस। तो यहाँ पे आंसर स्टेटमेंट लिख लीजिए कि हेंस हेंस कंपनी डी हैड टू गॉन थ्रू द लॉस ऑफ 4% इन द ईयर 2017। यस, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सॉल्व, आपका हो गया सारा सेक्शन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आगे भी क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे, आगे भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लगातार देख ही रहे हैं, एक दिन अल्टरनेट करके, कभी कभी अल्टरनेट भी नहीं होता, लगातार भी आते रहते हैं, तो जब भी जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नाउ, एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर केम लर्निंग चैनल। दिस केम लर्निंग चैनल इज वेरी डेडिकेटेड फॉर बीपीएससी स्पेशली, हमने बीपीएससी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, खास प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए, तो प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, वहाँ पे पीटी के लिए और मेंस के लिए सारे कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है, तो कहीं भटकना नहीं है। स्टे ट्यून टू केम लर्निंग एंड कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।